कृष्णा घाटी के जंगलों में है जहाँ पिछले कई दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और अगर हम बात करें तो सुबह से हम भी इन जंगलों में पहुंचे हुए हैं और बाली साहब हमारे साथ हैं। बाली साहब, किस तरह से देखते हैं इस सर्च ऑपरेशन को आप? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज तीसरा दिन है, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है क्योंकि आपको पता ही है कि दो दिन पहले जो कृष्णा घाटी का धराटी इलाका पड़ता है वहाँ पे आतंकियों ने छुपकर जो सेना के काफिले के ऊपर गोलीबारी की थी, उसके बाद लगातार पूरे इलाके में कार्डन किया हुआ है। हम भी यहाँ पे बैठे हैं, आज सुबह से इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना इन इलाकों में काम कर रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें सेना बिल्कुल अलर्ट है, सेना इनकी हर चाल को बिफल भी बना रही है। और आपको बता दें कि 90 के दशक में यहाँ पे आतंकियों का काफ़ी बोलबाला रहा है, उसके बाद ये इलाका बिल्कुल शांत हो गया था। और अब पिछले कुछ महीनों से लगातार जोरी पुंछ को ज़्यादा आतंकियों द्वारा फोकस किया जा रहा है और कई आतंकी घटनाएँ जो इस इलाके में घटी हैं जिसको देखते हुए सुरक्षा तो पहले से ही यहाँ पे चौकस थी, लेकिन अब सुरक्षा को काफ़ी किया गया है। हर जगह पे नई चौकियाँ स्थापित की जा रही है और इसके साथ हर जंगलों में भी जो सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बाल साहब, देखा जा रहा है कि सीमा के साथ लगने वाले जितने भी पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर जो है पाकिस्तान की तरफ से आग लगा दी गई है, उनको किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की हमेशा से चाह रही है कि जो सीमावर्ती जो सीमा के ऊपर आग लगा दी जाती है, उसके बाद जो वो जंगलों में काफ़ी तेज आग जब लग जाती है तो उस तरफ से घुसपैठ करवाने की हमेशा से कोशिश रहती है, लेकिन अलर्ट भारतीय सेना पाकिस्तान की इस चाल को भी हमेशा से विफल बना देती है। मनीष जी हमारे साथ, मनीष जी किस तरह से देखते हैं 26 जनवरी को कुछ ही दिन बचे हैं और अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जगह जगह पर जो है सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, वाहनों को चेक किया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सनी, जैसे कि ये हर बार ही पिछले कई सालों से पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोशिशें रहती हैं कि इन दिनों में जो है किसी न किसी तरह से अमन में खलल डा जाए, लेकिन हमारी जो सुरक्षा बल हैं, हमारी जितनी पुलिस है, सेना है, सीआरपी है, बीएसएफ है, जितनी भी एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद रहती हैं और इन दिनों में उनकी तरफ से चौकसी ज़्यादा बढ़ाई जाती है। हालांकि छुप छुपा कर कभी कोई आतंकी जो है अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे देते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों पे पूरा भरोसा है हमें और वो इस तरह की हरकतों को नाकाम बनाने में पूरी तरह सक्षम है और नाकाम बनाते आए हैं और आगे भी नाकाम बनाते रहेंगे। मनीष जी, जिस तरह से देहरा की गली में आतंकियों ने घात लगाकर सेना के वाहन पर हमला किया और उसके बाद अगर कृष्णा घाटी की बात करें यहाँ भी सेना के वाहन पर जो है गोलीबारी की गई, क्या आपको लगता है ये आतंकी किस तरह से इन इलाकों से भाग निकलते हैं? ऐसा कि आतंकी जो हैं कहीं ना कहीं जो है यहाँ जंगल हैं, घने जंगल हैं, उसके बाद झाड़ियाँ हैं, कहीं छोटी छोटी गुफाएं हैं जंगलों में, और सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 30 वर्षों से जब आतंकवाद का दौर है तो जंगलों में आम लोगों को आना जाना बंद हो गया है, तो ऐसे में आतंकियों को एक सुरक्षित पनाह जो है जंगलों में मिलनी शुरू हो गई है जिसका वो लाभ उठाते हैं। हालांकि वो छुपकर वार करते हैं और चोर जो है वो छुपकर इसी तरह की हरकतें करता है और भाग निकलता है, लेकिन वो कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो बात जो है सच साबित हो जाएगी और जल्दी ही सुरक्षा बल उनको उनके अंजाम तक पहुँचा देंगे। तो आपको बता दें जिस तरह से लगातार इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और दो सीनियर पत्रकार हमारे साथ थे जिन्होंने आपको जानकारी भी दी और आपको बता दें लगातार इन इलाकों में पिछले कई दिनों से सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं और आज भी इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है।